अरे 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 पुलिस को बुला, पुलिस को यार। नहीं अपन बात करें सर, बात करें, कैंपस से बाहर क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस शादी के बंधन में बन चुके हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने शादी में खलल डाल दिया। दरअसल प्रियंका और निक की शादी के कवरेज के चक्कर में मीडिया कर्मी और बाउंसर्स के बीच झड़प हो गई, और ये सब हुआ जोधपुर के उमेद भवन पैलेस के अंदर। दरअसल शादी को कवर करने कई पत्रकार पहुंचे थे, बाउंसर ने मीडिया को शूट करने से रोका। बाउंसर्स ने कैमरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद जोधपुर पुलिस को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। आप भी देखिए बाउंसर्स ने मीडिया को कैसे लताड़ कर भगाया। नहीं अपन बात करें सर, बात करें, कैंपस से बाहर क्यों? समझ यही है, हम सिर्फ यहाँ पर फोटो खेलना चाहते हैं आज शाम तक ही शादी। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उनकी हद में हम जा नहीं रहे हैं। वो बाहर वाले गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ का गवर्नमेंट वो बात नहीं, गवर्नमेंट किसकी है? मीडिया कर्मी और बाउंसर्स की झड़प के बीच पुलिस को आगे आना पड़ा, और पुलिस को दोनों के बीच आकर बीच बचाव करना पड़ा। एक बार फिर देखिए प्रियंका चोपड़ा की शादी में कैसे खलल पड़ा। अगर उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट नहीं आएंगे तो आएंगे यहाँ पे, अगर आएंगे तो हम उतर जाएंगे, तो आएंगे तो रुक जाएंगे, हम उतर जाएंगे। आ जाओ आप नीचे, सर वो आएंगे तो हम उतर जाएंगे, आप नीचे आ जाओ। वैसे आपको बताते कि डिजाइनर राल्फ लॉरेन ने ट्विटर पर प्रियंका निक की वेडिंग को कंफर्म किया है। शादी के बाद उमेद भवन पैलेस में आतिशबाजी की गई। क्रिश्चियन वेडिंग के बाद अब 2 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी। बहरहाल इंतजार है हिंदू वेडिंग का, देखना होगा प्रियंका चोपड़ा का लुक हिंदू वेडिंग में कैसा होता है। खैर हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट नहीं आएंगे तो आएंगे यहाँ पे, अगर आएंगे तो हम उतर जाएंगे, तो आएंगे तो रुक जाएंगे, हम उतर जाएंगे। आप आ जाओ, आप नीचे, सर वो आएंगे तो हम उतर जाएंगे, आप नीचे आ जाओ।